खबर बानसूर से। बानसूर के भिवाला की ढाणी में खुले हुए 50 फुट सूखे कुएं में एक पालतू गाय जा गिरी। गाय रेत के गिरने से उसका सींग टूट गया और गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के पश्चात गौरक्षक दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी की सहायता से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरक्षक दल के सदस्य अशोक कुमार सैनी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक पालतू गाय खुले कुएं में जा गिरी है। वहीं सूचना के बाद गौरक्षक दल के सदस्य कुलदीप गौड़, मनीष जोशी, अशोक शर्मा, सविनय और रवि मौके पर पहुंचे और गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके इलाज के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापत को मौके पर बुलाया गया और उसका इलाज करवाने के बाद उसे पशुपालक को सुपुर्द कर दिया गया। गौरक्षक दल के सदस्यों ने बानसूर प्रशासन से खुले हुए कुएं को चिन्हित कर उनके ऊपर जाल लगवाने की मांग की। फोन आया कि गाय का पैर फिसलने से कुएं में जा गिरी है। हम पूरी गौरक्षक टीम के साथ वहाँ मौके स्थल पर पहुँचे और सविनय शर्मा ज्ञानपुरा से उनको बुलाकर गाय को करीब 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। गाय घायल अवस्था में थी, कई जगह चोट लग चुकी थी, सींग टूट चुका था। गाय को सकुशल निकालकर डॉक्टर प्रदीप प्रजापति को बुलाकर उसका चिकित्सा की गई और पशुपालक को सुपुर्द किया गया। खुले हुए कुओं को लेकर मेरी नगर पालिका क्षेत्र प्रशासन से यही मांग है कि क्षेत्र में जितने भी खुले कुएं हैं उनको चिन्हित कराकर उन पर मरम्मत कराई जाए और उनका जाल बिछाया जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।